हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले कैनन के एक प्रिंटर का जिसका मॉडल नंबर है पिक्समा MG2570S। दोस्तों इस प्रिंटर का हम यूज जानेंगे, इसको कैसे सेटअप करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी आप इसमें प्रिंट के साथ साथ स्कैन भी कर सकते हो, साथ ही कॉपी भी कर सकते हो, बिल्कुल एक जेरोक्स मशीन की तरह इसको यूज कर सकते हो। एक कलर प्रिंटर है, यानी आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी निकाल सकते हो, साथ ही कलर प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस प्रिंटर को कैसे सेटअप करना है, कैसे इसमें कार्टिजेस लगाएंगे ये भी बताऊंगा, और फिर आखिर में इससे प्रिंट निकालेंगे और देखेंगे इसका प्रिंट स्पीड क्या है और क्वालिटी क्या निकलता है। आखिर में इस प्रिंटर के रिव्यू के बारे में बात करूंगा। देखते रहिए पूरे वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, तो वीडियो को लाइक करने का रिक्वेस्ट रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रिंटर के बॉक्स को देख सकते हो, ऊपर आपको कैनन का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पे लेस फॉर कार्ट्रिजेस। यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाता है, और क्योंकि हमारा ये प्रिंटर एक ऑल इन वन प्रिंटर है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रिंट, कॉपी और स्कैन के तीनों फंक्शन देखने को मिल जाता है। जब मैं इस प्रिंटर का यूज आपको बताऊंगा तो कैसे प्रिंट करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे स्कैन करना है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा इसी वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप प्रिंटर का इमेज देख सकते हो, बहुत ही ग्लॉसी लुक है इसका, बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड इंक सिस्टम, ऑटो पावर ऑन और क्वाइट मोड, ये तीनों फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस प्रिंटर से आप कितने स्पीड में प्रिंट आउट निकाल सकते हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट के लिए आपको 8 इमेजेस पर मिनट, यानी एक मिनट में आप 8 इमेज निकाल सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट में, और कलर प्रिंट में आप यहाँ पे एक मिनट में 4 इमेजेस तक निकाल सकते हो। अगर हम बॉक्स के साइड में देखें तो यहाँ पे कौन कौन से ओएस में ये सपोर्ट करता है आप देख सकते हो। विंडोज के लगभग सारे वर्जन में ये सपोर्ट करता है, विंडोज XP, विस्ता, विंडोज 7, 8, 8.1, 10 में ये सपोर्ट करता है। मैक वेस में भी ये सपोर्ट करता है, ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंटर है जो मैक में सपोर्ट नहीं करते। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक प्रिंटर मिलेगा, एक पावर कॉर्ड मिलेगा, आपको कार्टिजेस मिलेगा, एक ब्लैक और एक कलर कार्टिज, और यहाँ पे आपको सीडी रॉम मिलेगा, मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, और एक यूएसबी केबल भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अच्छा बात यह है कि यूएसबी केबल से आप एक ओटीजी केबल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल फोन से या टैबलेट से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हर बार आपको अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से इस प्रिंटर को कनेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन से भी प्रिंट आउट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो भी इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए इस साइड में देखते हैं। इस साइड में भी वो सारे फंक्शन बताया गया है जो मैंने पहले बताया, और इस साइड में इस प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर, डेट, प्राइस, ये सब दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको जिससे कि आप क्लियरली देख पाओ। क्या आप देख सकते हो, अगर प्रिंटिंग प्राइस की बात करें तो प्रिंटिंग प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 3875 रुपीज है। बट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उस लिंक से अगर आप जाके इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो बहुत ज्यादा आपको इस प्रिंटर में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, इस प्रिंटर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको खोल लिया है, ये सील्ड रहता है, ठीक है, यहाँ पे सील रहता है ये, इसको मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, और एक एक करके निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। सबसे पहले यहाँ पे मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से आपको दो केबल मिलता है इस तरीके का, इसमें से एक है यूएसबी केबल और दूसरा है पावर कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो कार्ट्रिजेस देखने को मिलता है, एक है ब्लैक और दूसरा है कलर, जैसा कि इस बॉक्स में बताया गया था। तो और कुछ भी नहीं है इसमें, और फिर हमें यहाँ पे हमारा प्रिंटर देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंटर के साथ ही एक सीडी और यूजर मैनुअल और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। इसमें आपको वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। इस प्रिंटर में आपको ऑन साइट 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इसका ड्राइवर सीडी, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूजर मैनुअल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सबको मैं अभी साइड में रख देता हूँ, और चलिए प्रिंटर को बाहर निकालते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आप प्रिंटर को देख सकते हो। इस प्रिंटर का पूरा यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक बार दिखा देता हूं पैकेट के अंदर से क्या क्या मिला है। ये रहा इसका ड्राइवर सीडी। इस सीडी को आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। अगर ये ड्राइवर सीडी कभी खो भी जाता है या टूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए ये मिल जाता है। कहां से मिलेगा, कौन सा लिंक है, एक बार आपको बता देता हूं। इसके अंदर से ही आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। ये इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे आपको इस प्रिंटर को सेटअप करना है। हालांकि मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान भाषा में। और इसी यूजर मैनुअल में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो canon.com/IG setup। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये जो ड्राइवर सीडी है ये आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, साथ ही यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कैनन प्रिंट इंकजेट, या इसका नाम है ACLPHY करके आप गूगल प्ले में सर्च कर सकते हो, या डायरेक्ट यहां से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल फोन को या टैबलेट को इस प्रिंटर के साथ सेटअप करना चाहते हो ताकि आप अपने मोबाइल फोन से या टैबलेट से ही प्रिंट आउट निकाल सको, उस दौरान आपको कंप्यूटर या लैपटॉप का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फोन से ही या फिर एक टैबलेट से इस प्रिंटर के यूज से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये इसका यूजर मैनुअल है, मैंने आपको बता दिया, और कैसे यूज करना है, कैसे इसको चलाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अंदर से आपको और मिलता है कुछ सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स, कैसे इसको यूज करना चाहिए ये सब। और सेफ्टी के बारे में एक चीज बता देता हूं, जब भी आप किसी एक प्रिंटर को यूज करो तो उसको बहुत दिन तक अनयूज्ड ना रखें। एक प्रिंटर को अगर आप 10-15 दिन तक या उससे भी ज्यादा अनयूज्ड रखते हो, उसका यूज नहीं करते हो, तो आपके इंक सूख सकते हैं। कार्टिजेस में जिस जो नोजल होते हैं जहां से इंक निकलता है वो जैम हो सकते हैं, वो ब्लॉक हो सकते हैं, और फिर आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए आप ट्राई करिए कि 10-15 दिन छोड़ के एक प्रिंट या दो प्रिंट तो जरूर निकाले अपने प्रिंटर से, यानी इसको बहुत टाइम के लिए आप अनयूज्ड ना रखें। यही इसका सेफ्टी है एक जो आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये कार्टिज प्रिंटर है, आप इसको जैसे चाहे जैसे मर्जी आप इसको घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंक टैंक प्रिंटर नहीं है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है ऑन साइट, एक साल का, एक ईयर का आपको इस प्रिंटर में वारंटी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी इस कैनन पिग्मा MG2570S प्रिंटर को सेटअप करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रिंटर के अंदर अपने कार्ट्रिजेस को लगाना है। इस प्रिंटर के साथ आपको दो कार्ट्रिजेस बिल्कुल फ्री में मिलता है, एक ब्लैक कलर का और एक कलर कार्ट्रिज, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर इन कार्ट्रिजेस को हम लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जो प्रिंटर है इसके सामने आपको ये जो इसको आपको थोड़ा सा पुल करना है, यहां पे आप नीचे देखिए इसको पुल करना है तो ये ऐसे निकल जाएगा और फिर ये किसी काम का नहीं, इसको आप फेंक सकते हो, ठीक है। यहां पे आप देखिए यहां पे दो स्लॉट है और इन दोनों स्लॉट में आपको अपने दो कार्ट्रिजेस को लगाना है। यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए नीचे यहां पे लिखा हुआ है, ये जो लेफ्ट वाला है ये कलर कार्ट्रिजेस के लिए और ये जो राइट वाला है ये ब्लैक कार्ट्रिजेस के लिए, यहां पे नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो चलिए हम अपने कार्ट्रिजेस को यहां पे डाल देते हैं, कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये हमारा ब्लैक कार्ट्रिज, इसको हमें यहां से ओपन करना होगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये ब्लैक कार्ट्रिजेस है, ठीक है। यहां पे भी एक टेप आपको देखने को मिल जाता है, इसको आपको इस तरीके से हटाना होता है। और एक बार हटाने के बाद यहां पे आप टच मत करिए वरना आपका कार्ट्रिज जो है वो खराब हो सकता है, यहीं से आपका इंक निकलेगा। तो यहां पे बिल्कुल भी टच ना करें और यहां पे ज्यादा डस्ट वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम अंदर डालते हैं, ब्लैक वाले में हम इसको डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। ये राइट वाला जो है ये ब्लैक के लिए है। तो इसको जब आप डालें तो शुरू में ये थोड़ा सा, ये जो सामने का हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और फिर आपको इसको अंदर पुश करना होगा, एक साउंड होगा और ये कार्ट्रिज यहाँ पे लग जाएगा। ब्लैक हमने यहाँ पे लगा दिया है, बहुत ही आसान है। और अभी ये कलर वाला, इसको हम ओपन करते हैं, बिल्कुल प्रोसेस सेम है। यहां से आपको ये जो टेप है इसको हटाना है
और फिर यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन लाइंस आपको देखने को मिलेंगे, तीन कलर इससे निकलता है, और ये भी सेम है लेफ्ट साइड में कलर वाला लगता है। आपको बस थोड़ा सा इसको पुश करना है, एक साउंड होगा और ये लग जाएगा। आप देख सकते हो ये लग गया है, और फिर आपको ये जो पोर्शन है इसको आपको यहां से बंद करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक है, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो गया है। और यहाँ पे भी नीचे आपको टेप देखने को मिल जाता है, आपको इसको भी ओपन करना होगा कुछ इस तरीके से, आपको इसको खोलना है। और आप चाहो तो इसको फेंक सकते हो, बट मैं अभी इसको फेंक ही देता हूँ। चलिए अभी देखिए ये जो पोर्शन हमने ओपन किया इसको आपको ड्रैग करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को पीछे लेता हूँ ताकि आप देख सको, ये जो पोर्शन है ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। और ये जो पोर्शन है इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो। ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप अपने प्रिंटिंग पेपर्स को लगाओगे, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और ये जो पोर्शन है यहां से आपका प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करके नहीं रखोगे तो आपके पेपर्स नीचे गिर जाएंगे, और अगर ओपन करके रखोगे तो यहां पे आके आपके पेपर्स जमा होंगे। ये जो पोर्शन है ये स्कैन के लिए काम में आता है या कॉपी के लिए, जैसे जेरोक्स मशीन में होता है। अगर कुछ भी आपको यहाँ पे जेरोक्स करना है या कोई भी कॉपी को अगर आपको यहां से कॉपी करके उसी को अगर प्रिंट आउट निकलना है तो इस पोर्शन को आप यूज कर सकते हो स्कैन के लिए, ठीक है। इसको अभी अंदर डाल देते हैं, इसको भी अभी नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे जो बटन्स दिए गए हैं इनका यूज एक बार आपको बता देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे कुछ एलईडी इंडिकेटर है, यहाँ पे ब्लैक इंक के लिए जो इंडिकेटर है, जब भी आपका ब्लैक कार्ट्रिजेस में जो इंक रहता है वो खत्म हो जाता है तो ये इंडिकेट करेगा आपको, ये ब्लिंक करेगा। कलर इंक जब आपका खत्म हो जाता है कार्ट्रिजेस में तो ये ब्लिंक करेगा, और तब आपको कार्टिज को रिफिल करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, कार्टिज को आपको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपको इंक रिफिल करना पड़ता है, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। मैं वो भी किसी दूसरे वीडियो में करके दिखाऊंगा। मान लीजिए अभी आपने एक प्रिंट आउट करने को दिया है और आप अपने प्रिंट को कैंसिल करना चाहते हो या उसे रोकना चाहते हो, तो यहाँ पे स्टॉप बटन है, आप स्टॉप पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करने के लिए ये बटन है, और कलर प्रिंट आउट करने के लिए ये नीचे कलर का बटन है, बस यही है, बहुत ही सिंपल है। और चलिए अभी इसमें प्रिंट आउट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस प्रिंटर के साथ आपको एक पावर केबल भी दिया जाता है और एक यूएसबी केबल भी दिया जाता है। इन केबल्स को कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। केबल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसका अगर लंबाई की बात करें तो ये केबल करीब 1 मीटर का है। और यूएसबी केबल जो है इसको भी हम ओपन करते हैं यहाँ से और देखते हैं ये कितना लंबा है। यूएसबी केबल जो है ये आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ या अपने मोबाइल टैबलेट इनके साथ ये कनेक्ट होगा। मोबाइल और टैबलेट के साथ अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपको ओटीजी केबल का यूज करना होगा। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो अच्छा लंबा है, 1 मीटर से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ कहाँ पे इन दोनों को आपको लगाना है। तो इसके लिए आपको प्रिंटर के बैक साइड में जाना होगा, पीछे की तरफ, और ये जो आपका पावर केबल है ये जो हिस्सा है इसका, ये आपका लगेगा यहां पे, यहां पे आप देख सकते हो ये पावर केबल लगाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे आपको अपना पावर केबल इंसर्ट कर देना है, और बाकी ये जो प्लग है मेल प्लग ये आप अपने मेन स्विच में लगाओगे, मेन प्लग में। और आपका जो ये यूएसबी लगेगा वो आपको ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, कि यूएसबी के लिए जो आपके कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ आपके मोबाइल और टैबलेट के साथ कनेक्ट होगा। तो ये वाला यूएसबी आपके लैपटॉप कंप्यूटर या ओटीजी केबल का यूज करके आप अपने मोबाइल और टैबलेट के साथ यूज करोगे। अभी प्रिंटर को सामने की तरफ घुमा देते हैं और अभी इसको ऑन करेंगे। प्रिंटर को कैसे सेट करना है ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, जो मैन्युअली किया जाता है। अभी सॉफ्टवेयर के मामले में कैसे किया जाता है वो लैपटॉप स्क्रीन में आपको बताता हूं। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कॉन्फ़िगर करोगे। इसके लिए ये जो यूएसबी
पोर्ट है, इसको हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंसर्ट करेंगे। मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ड्राइवर सीडी आपको दिया गया है, इसको आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंसर्ट करना है। बट ये जो मेरा लैपटॉप है, ये गेमिंग लैपटॉप है और इसमें कोई स्लॉट नहीं है। तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में भी सीडी डीवीडी इंसर्ट करने के लिए कोई स्लॉट नहीं है, तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, canon.com/ijsetup। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन है तो इस लिंक को आप ओपन कीजिए। मैंने ओपन कर लिया है। जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सेटअप का एक ऑप्शन मिल जाता है, बटन मिल जाता है, आप देख सकते हो। इस सेटअप के बटन पे आपको क्लिक करना है। सेटअप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आपके डिवाइस के मॉडल नंबर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे MG आप देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर जो है MG। आपको अपने प्रिंटर के मॉडल नंबर को फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फाइंड कर लिया MG25S0S, जो कि मेरा प्रिंटर का मॉडल नंबर है। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर क्या क्या करना है वो भी बताया गया है। तो डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करता हूं। इस ड्राइवर सीडी में जो भी दिया गया है वही यहां पे डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहां पे आपको इसको ओपन करना है, रन करना है, यस बटन पे क्लिक करना है। तो अभी यहां पे पूछा जा रहा है कि आप कहां पे रहते हो। तो मैं एशिया में रहता हूं, एशिया सिलेक्टेड है ऑलरेडी। फिर एशिया में कहा तो इंडिया। इसी तरीके से आप भी अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ड्राइवर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये लास्ट में XPS ड्राइवर है, इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अभी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, यस बटन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जितने भी ड्राइवर्स है वो डाउनलोड होना शुरू हो गए। इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रहना होगा। मेरा इंटरनेट यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे आप देख सकते हो 358 MB का सारा कुछ फाइल्स है, वो डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा वो इंस्टॉल होगा, फिर इस लैपटॉप को मैं इस डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर करूंगा। और दोस्तों बस जितना भी सेटअप यहाँ पे करना था वो यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, एग्री पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये जितना भी सारा कुछ आपका यहाँ पे करना था वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे प्रिंटिंग पेपर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्रिंटर का आवाज सुन सकते हो, यहाँ पे कुछ साउंड करेगा प्रिंटर। और इसको क्लोज कर देते हैं। प्रिंटर का जितना भी ड्राइवर वगैरह था सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसको क्लोज करते हैं। अभी एक पेज आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, बट इसके लिए हमें प्रिंटिंग पेपर को डालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक बंडल प्रिंटिंग पेपर है और इसका जो प्रिंटिंग प्राइस है, यहाँ पे आप देखिए इसका प्रिंटिंग प्राइस जो है वो 290 रुपीज है। 75 GSM का ये प्रिंटिंग पेपर है। जब भी आप प्रिंटिंग पेपर परचेज करो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका GSM देख लीजिए। अगर उसका GSM 70 से ऊपर है तो बहुत अच्छा, और आपका प्रिंटर कितने GSM तक पेपर एक्सेप्ट करता है वो भी चेक कर लीजिए। इसका प्रिंटिंग प्राइस है 290 रुपीज, बट अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो 200-220 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाता है। बेस्ट बाय लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं प्रिंटर में। दोस्तों प्रिंटर में पेपर लगाने के लिए ये जो पोर्शन है इसको आपको इस तरीके से ओपन करना होगा। प्रिंटर को मैं थोड़ा सा सामने की तरफ ले लेता हूं और अभी यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो व्हाइट कलर का है, इसको आपको यहाँ पे लेफ्ट में ड्रैग करना है। और आपका पेपर जिस भी साइज का होगा, यहाँ पे मेरे पास A4 साइज का है, तो उसको यहां पे कुछ इस तरीके से लगा देना है और कुछ इस तरीके से यहां पे इस पेपर को रख देना है। और फिर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको आपको आपके पेपर के हिसाब से एडजस्ट कर देना है, ताकि आपका पेपर जो है वो इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, ये सेट यहां पे बैठा रहे इस तरीके से, इसको यहां पे एडजस्ट कर देना है। तो ये पेपर हमारा लग गया है। अभी हम यहां पे प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट किया जाता है। एक मैं लैपटॉप से ही किसी एक चीज को प्रिंट करता हूं। ये जो पेज आप देख रहे हो कैनन का, अगर मुझे इसी को प्रिंट करना है तो मैं यहां पे लैपटॉप में CTRL+P प्रेस करूंगा।
ये पेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरा प्रिंटर है वो आप देख सकते हो, कैनन MG2500 सीरीज। अभी यहाँ पे प्रिंट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रिंट आउट निकल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कलर प्रिंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कलर प्रिंट निकल चुका है। यहाँ पे जैसा पेज है बिल्कुल वही कलर प्रिंट यहाँ पे निकल चुका है। और यहाँ पे प्रिंटिंग स्पीड तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 मिनट में आप 4 पेज कलर प्रिंट निकाल सकते हो, और देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जो प्रिंट आउट है ये निकल चुका है। दोस्तों अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कैसे प्रिंट आउट निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रिंट आउट निकाला है। अभी कैसे इस प्रिंटर में कॉपी फंक्शन को यूज करना है या जेरोक्स के लिए कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, किसी को कॉपी करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ये मैं आपको सिखा देता हूं। और बिल्कुल सेम प्रोसेस में आप स्कैनर का भी यूज कर सकते हो। तो इसी पेज में हम प्रिंट करेंगे, इसके बैक साइड में प्रिंट करेंगे। तो इस पेपर को फिर से यहां पे हम इंसर्ट कर देते हैं, एकदम पहले इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और अभी मेरे पास एक क्लासमेट का नोटबुक है, इसका जो ये फ्रंट पेज है इसको हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, तो हमारा जो स्कैनर है इसको मैं ओपन करता हूं यहां पे। और इस पोर्शन से आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको अपना इमेज या जो डॉक्यूमेंट है वो रखना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और अभी यहाँ पे कलर प्रिंट करना है या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, बस आप यहाँ पे बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये कलर इमेज है। तो मैं यहाँ पे कलर पे प्रेस करता हूँ, बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका इमेज है, वो स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद यहाँ से प्रिंट आउट निकाल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट आउट मेरा निकल रहा है, और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये भी एक कलर प्रिंट ही है। दोस्तों जितना हो सके मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं, और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा बहुत मेहनत भी लग रहा है। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो इसको शेयर भी जरूर करना, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहां पे कुछ ही सेकंड्स में ये प्रिंट आउट निकल जाएगा, और यहां पे देखिए ये प्रिंट आउट निकल के आ गया है। और यहां पे आप देख सकते हो कलर प्रिंट के लिए आप ज्यादा जीएसएम का पेपर यूज करें, या ग्लॉसी जो फोटो प्रिंट के लिए पेपर आता है उसको यूज करें। और यहां पे देखिए, देखते हैं कैसा आउटपुट आया है। यहां पे देखिए इसको हमने प्रिंट किया था इस नॉर्मल से A4 पेपर में, और देखिए प्रिंट क्वालिटी क्या आया है। तो प्रिंट क्वालिटी कलर प्रिंट का बहुत ही अच्छा आता है, और कलर प्रिंट का इतना अच्छा आता है तो ब्लैक एंड व्हाइट का तो अच्छा आएगा ही। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है तो बस ब्लैक जो ये ऑप्शन है, बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और ब्लैक एंड व्हाइट में ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर स्कैन भी करना है तो सेम प्रोसेस है, जो इसका ड्राइवर है, जो सॉफ्टवेयर है, उससे आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को स्कैन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी इस प्रिंटर के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। मुझे ये प्रिंटर पर्सनली कैसा लगा अगर आप पूछोगे तो बहुत ही अच्छा लगा। बट अगर आप इस प्रिंटर को बस अपने घर के कामों के लिए यूज करना चाहते हो, स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए प्रिंट आउट करना चाहते हो, या ऑफिस के डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, तो ये प्रिंटर आपके लिए परफेक्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। बट अगर आप एक कैफे खोलने का सोच रहे हो, या दुकान में ये जेरोक्स प्रिंट वाला काम करना चाहते हो, या अपने शॉप में बिलिंग के लिए इसको यूज करना चाहते हो, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कलर प्रिंट करने के लिए ये जो टाइम ले रहा है लगभग 20 सेकंड के आसपास ये टाइम ले रहा है, और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए करीब 10 सेकंड के आसपास ये टाइम लेता है। तो अगर आपको लगता है ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है, अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है प्रिंट करने का, तो आप इस प्रिंटर के साथ जा सकते हो। और अगर आपका मंथली जो यूजेज है, मंथली आप बस 300 पेज तक ही प्रिंट करना चाहते हो घर के कामों के लिए, तो आप इस प्रिंटर के साथ जा सकते हो। बट हेवी यूजेज के लिए ये प्रिंटर नहीं है, बहुत जल्द
प्रिंट करने के लिए ये प्रिंटर नहीं है, दुकान के काम के लिए ये प्रिंटर नहीं है, कैफे वगैरह में यूज करने के लिए ये प्रिंटर नहीं है। कर सकते हो बट उसमें आपका देरी लगेगा, बहुत ज्यादा कस्टमर को आप सर्व नहीं कर पाओगे। घर के कामों के लिए, स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर के लिए। और बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन में अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां पे जाके इस प्रिंटर को आप चेक कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।